कि 2047 के पहले हमें अपना कार्य क्षेत्र गांव होगा, पंचायत होगी, नगर होगा, महानगर होगा, हमें उसे भी डेवलप बनाना है, समस्याओं से मुक्त करना है। भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा। देखिए 2047 में जब हमारे देश की आजादी के 100 साल होंगे और हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा, और इसलिए हर गांव का संकल्प बनना चाहिए कि 2047 के पहले हमें अपना कार्य क्षेत्र गांव होगा, पंचायत होगी, नगर होगा, महानगर होगा, हमें उसे भी डेवलप बनाना है, समस्याओं से मुक्त करना है, और इसके लिए छोटे छोटे प्रयास ही बहुत बड़ी असर दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारा गांव कैसे हरा भरा हो, कैसे गांव में स्वच्छता को लेकर हम अलग अलग कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, हम गांव में सोलर को कैसे बढ़ाएं, सोलर एनर्जी की गांव में कैसे आदत डालें। आज भारत सरकार सोलर एनर्जी पर इतना जोर दे रही है, हमारे भाजपा बूथ कार्यकर्ता ये ठान ले कि अगर किसी गांव में 100 घर है तो अगले 2 साल में वहां सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, हमारे किसान हो उनको समझाएं सोलार पंप का उपयोग करिए, आपका पैसा भी बच जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे सोलार लगवाएं, हम उनको प्रेरित करें। काम सरकार का नहीं है, जनता जनार्दन में ले जाने का एक सकारात्मक तरीका है। उसमें बैंकों से जो कैसे मदद मिलती है उनको बैंकों से मदद कैसे दिलवाए, आर्थिक सहयोग बैंकों से मिलता है उन तक कैसे पहुंचे, उनको इनकी जानकारियां हम कैसे दें। आप जानते हैं केंद्र सरकार के प्रयासों से स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा कार्यकर्ता ये सोचे कि मैं जिस बूथ में काम करता हूं वहां कोई ड्रॉप आउट नहीं होगा, बेटा हो या बेटी शत प्रतिशत पढ़ेंगे, इसके लिए मैं काम करूंगा। मुझे बताइए भाजपा के कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपका बूथ मजबूत होगा कि नहीं होगा? आपके गांव में से अशिक्षा जाएगी कि नहीं जाएगी? कोई बच्चा अगर बीच में स्कूल छोड़ रहा है, हम उसको पहचान ले, उसको मिलने जाए, उसके माँ बाप को मिलने जाए, उसको स्कूल ले जाए, सेवा भी होगी, भाजपा का काम भी हो जाएगा। अगर उसको कोई आर्थिक परेशानी है, किताब नहीं है, लिखने के लिए नोटबुक नहीं है, आप गांव के 2 लोगों से कहेंगे आओ भाई इन 2 बच्चों के लिए भी 2 नोट ले आइए, उनको यूनिफॉर्म नहीं है, आओ भाई 2 बच्चों के लिए यूनिफॉर्म ले आओ। आप देखिए धीरे धीरे आप परिवर्तन ले आएंगे। अब कुछ बच्चे कुपोषित होते हैं, हम गांव के अंदर कुपोषण कैसे मिटा सकते हैं? मैंने अभी बताया मेरा मणिनगर का अनुभव, हम गांव के लोगों को ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी को कहेंगे भाई जन्मदिन आंगनवाड़ी में मनाओ, आपके पिताजी की मृत्यु की तिथि है आंगनवाड़ी में मनाओ, आपकी शादी की सालगिरह है आंगनवाड़ी में मनाओ, घर से कुछ बना करके ले आओ, चलो इन 30-40 बच्चे होते हैं खिलाओ, कुपोषण भी जाएगा और उनको अपना जन्मदिन मनाने का आनंद भी आएगा। मैं मानता हूं कि हमने ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए, और जितने जैसे
जहां पर डेयरी का काम है वो दूध इकट्ठा कर करके पिला सकते हैं। मैं समझता हूं कि यही तरीके होते हैं जिन तरीकों से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, और मैं मानता हूं इसका आदत लोगों को भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। और इसलिए मेरा आग्रह है कि हम इन बातों को ज्यादा महत्व दें।